बहुत जल्दियों में ये लोग जा रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने किया, फिर उनको जाने दिया। फ्लाइट गई थी यार, ये मुंह दिखाया हुआ था, मैं आप ही का तो मार दूंगी। ब्लू मून निकला, जाके देख के आओ। बाहर क्यों आ रहा है ये गाड़ी, क्यों बाहर खड़ी है? कैमरा नीचे करो, मैं सीरियस बात कर रही हूं। टिकटॉक पे पूरी है, यूट्यूब पे मैं पक्की लगती हूँ, इतनी मासूम शक्ल है मेरी, हर जगह पूरी है। तौबा तौबा तौबा। Welcome to astrology. This is me, Ikra Kawal. Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. Not a beautiful day. क्योंकि बहुत पैनिक में डे स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि हम लोग जो है वो रात, सारी रात तो जागते ही रहे हैं। किस्म का सामान पकड़ने के लिए गए थे, वहाँ गप्पे शप्पे मारते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और मतलब टाइम का पता ही नहीं चला जहन में। और 6:30 हमको निकलना था, और हम लोग जो है ना वो अभी क्या टाइम हो रहा है जी? 8:30 8:30 बजे फ्लाइट थी। इतना लेट हो गया, मैं तो सोया था, मैंने ड्राइविंग करनी है, मैं 2 घंटे सोया हूँ। मेरी आंखें देखे उठे हैं पैनिक में। जिस तरह हम लोग पहुंचे यार, तो अल्लाह की तरफ से ही हम लोग पहुंच गए हैं, पता नहीं कैसे। और उन्होंने जाने दिया है, अभी गए हैं, इतना तेज भागे हैं, और अंदर 5 मिनट में उन्होंने सब कुछ किया। ओ माय गॉड। और जिस तरह नकी भाई ड्राइव कर रहे थे उस वक्त, तो मैं आपको व्लॉग भी नहीं दिखा सकती थी ना मैं बना, क्योंकि मैं खुद उस चीज को प्रोसेस कर रही थी। लेकिन अब खैर अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग क्योंकि कराची से एक ही फ्लाइट जा रही थी, और मैंने बस वो एक शॉट बनाया, लोग बस भाग गए हैं, तो वो अभी दिखेगा अब आपको। बहुत जल्दियों में ये लोग जा रहे हैं, बहुत जल्दियों में, बहुत जल्दियों में इनको मुल्तान एयरपोर्ट छोड़ा है। गरीब भी सामान लेके निकल गया, वो वहाँ पे देखे। अब हम लोग निकलने लगे हैं गाइस लाहौर की तरफ। रास्ते से कुछ खाएंगे पियेंगे, अपने साथ आपको सफर करवाएंगे, फिर घर जाके मिलेंगे, ठीक है जी? मुल्तान कैसा लगा फिर? पहले मैच में बहुत लेट हो गए थे, अब यहाँ पे मतलब हमारे साथ ये लेट वाला अमल चल रहा है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड वी आर हैप्पी इनफ कि हम लोगों ने एंजॉय किया, हो गया अल्लाह का शुक्र, उनकी भी हाँ, हो गया। हम भी निकल गए तो पूरा हो गया। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, हम लोग मोटर वे चढ़ गए थे, लेकिन इतनी हमें भूख लगी थी, इतनी भूख लगी। गरीब का तो नींद से बुरा हाल है, गरीब अब तो सोए भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा वाली। और अपने लिए देखो चाय लेके आया, बिस्किट लेके आया, और साथ में एक एनर्जी ड्रिंक सेफर साइड की। अगर चाय, कुछ लोग होते हैं जिनको चाय पी के बिना नींद आ जाती है, गरीब इज वन ऑफ देम। मुझे नींद नहीं आती चाय पी के, सोती रहती पूरा दिन। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को चाय पी के नींद आती वो भी मुझे कॉमेंट में बताया, और किसको चाय पी के नींद नहीं आती वो भी बताया। खैर, चाय लवर तो सभी होते हैं, बट भी सफर के दौरान कौन सा ड्रिंक अच्छा रहता है ये भी बताएं, ठीक है? अभी हम लोग जरा खाना खाना खा लें, रिफ्रेशमेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बड़ा बंजर सा वो है इलाका है यहाँ पे जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो निकलते हैं सफर, साथ साथ आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग शेखुपुरा तक तो पहुँच गए हैं, लाहौर कब पहुँचेंगे? पहुँचने वाले हैं, एक्टिव हो गए हैं, और बस स्पीडो स्पीड स्पीडो स्पीड स्पीडो स्पीड। दरिया भी एक आ गए, इसको बोलते हैं दरिया चिनाब, मुझे नहीं है ना कि दरिया चिनाब है। हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, और लाहौर में जो है वो एज यूजुअल ट्रैफिक चलते हुए बस घर पहुंचेंगे कोई 10 मिनट तक। अरीब साहब छोड़ेंगे, फिर अरीब साहब भी फ्रेश होंगे, नींद सोएंगे। अरीब साहब अभी मत सोना, अभी आगे ट्रैफिक है। वैसे तुमने ना इंसाफी किया मेरे साथ, मुझे तुम जाने देती ना श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना। उस वो जिस दौड़ में डकी भाई और रूप जा रहे थे, उस दौड़ में आप भी शामिल हो। वैसे ये लग बात है, और आपका जो टेम्परामेंट होता वो और अजीब हो जाता भाई। चांस उनकी फ्लाइट मिली है उनको, यानी कि प्लेन उड़ने लगा था, आखिरी 1-2 मिनट थे। उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने किया, फिर उनको जाने दिया, वरना फ्लाइट गई थी, वरना उनका पाकिस्तान इंडिया का मैच भी गया था। शुक्र है कि उनको फ्लाइट मिल गई और वो टाइम से पहुंच गए। अब हम अपने घर पहुंचे, फिर दिखा, अब हम भी मैच देखेंगे टीवी पे, टीवी पे देखेंगे ना, मजा आएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा, मेरा दिल कह रहा है। लो जी, तो हम पहुंच गए हैं अपने घर। मुझे पता कौन सा अरीब टाइम याद आ रहा है, जब हम दुबई से सरप्राइज करने आए थे फैमिली को, मुझे वो टाइम याद आ रहा है। ओह माय गॉड, ऐसे आए थे लुक्की छुपी करके, लेकिन घर वालों ने पहचाना नहीं था। मेरा वेलकम होम। आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड नहीं आ रहा, बहुत थका हूं, बहुत एक्स्ट्रा वाला। ओके, चलें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं सही वाला करें, अल्लाह हाफिज़। शर्ट धो लेना जाके। तो अब हम घर पहुंचते हैं, ठीक है? चलें जी, अरीब साहब लगे हैं निकलने, और हम देते हैं अभी अपने घर की बेल। चलो जी, घर आई हूँ, तो घर मेरा पूरा खाली है। मेरी मम्मी की घर मिलेगी किचन में।
हमारा इसी टाइम पे नाश्ता। आए मिस किया आपने मुझे, तीन दफा कॉल की तुमने, एक दफा भी नहीं की। मम्मा मैं सोई मतलब देख लिया मैंने, पता है भूल जाती है कि अभी सही भूल गई है, ससुराल जाके भी भूल जाएगी। नहीं नहीं पहली दफा हम लोग गए हैं वहाँ पे और जिस तरह के हालात थे वो आपके सामने थे। अभी मेरी बहने की तरह वो काम कर रही है, हर बंदी अपने कमरे से जाके मिलो। यूनिवर्सिटी से आगे सो भी गई, जैनब भी आगे सो भी गई, दोबारा वो सो गई है, सब आगे दोबारा सो गए हैं हम। मेरी भी सोने की बीमारी है गाइस, थोड़ा रेस्ट कर लूं, पानी शानी पीती हूं, थोड़ा फ्रेश हो रहा हूं, देन हम प्रॉपर अपना यहां पे घर का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और यहां ही हूं, ये मेरी बहन सोई हुई है, जैनब फैसल, ये मेरी अच्छी वाली बहन सोई हुई है, रबिया फैसल, ये बेचारी बिल्ली, मिलने का मौका ही नहीं मिला, ये दोनों बस सो रही हैं। जरा फ्रेश वगैरह होके आती हूँ फिर सीन पार्ट देखते हैं, तब तक ये भी उठ जाएंगी, मतलब ये उठ नहीं रही हैं यार। मैं फ्रेश होने लगी थी और फ्रेश होके आई हूँ, लेकिन इतनी नींद से बुरी हालत हो गई है कि एक मिनट के लिए सो भी गई थी, अब उठी हूँ क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ। तो मम्मा बस लाइक कि बेटा पहले खाना खा लो, मम्मी पराठा लेकर आई हैं आज मजेदार, फिर मैंने उनको बेड पे खिलाया, सोफे पे खिला रही हूं। ये मेरी अम्मा की वो होती है, नए नए बच्चा कोई, पहले मैं दुबई से ही बड़ा प्रोटोकॉल, जब सबसे अच्छी आदत है ये, बहुत बेहतरीन, जरा खाना शाना खा लूँ, खाना खा लो फिर तुझे मैं कुछ और भी खिला, खाना खा लू फिर अम्मा पता नहीं क्या डिश खिलाने वाली, वो खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लगी है, खा लू मैं खाना। तो गाइस मैंने खाना शाना खा लिया था, मैं हो गई हूँ फ्रेश और ये मोहतरमा मुझे फ्रेश नहीं लग रही है, जल्दी आ गई, जल्दी, इतनी जल्दी तुम चाहती हो मैं ना आती, आज मैं रूम में सोई थी। हाँ क्योंकि मैं यानी कि सारा दिन तो मैं उधर रही हूँ, नहीं अभी दोपहर में सो के आई हूँ, रात में मौका नहीं मिला ना, तो बात तो बात तो सुकून आया ना जिंदगी का, क्या बताऊँ। ये जो तुमने मेरे से प्रैंक किया था ना, ये पूरे कर रही गाइस, जा जा के मेरे कमरे चस्के ले रही है, प्रैंक नहीं किया था रियल में, मैंने यही करना। हाँ मेरे जाने के बाद अभी गाइस पापा की कॉल आई है, क्या कह रहे हैं, ऊपर ब्लू मून है जल्दी जाओ ऊपर जाके वीडियो बनाओ, तो हम लोग ब्लू मून दिखने जाते, आ जा मम्मी, पापा कह रहे ब्लू मून निकला जाके देख के आओ, हाँ माय गॉड नहीं वैसे, हाँ और ये पता है कितने सालों के बाद दोबारा आएगा, और उस वक्त शायद मैं बूढ़ी हो चुकी होंगी। बाहर ये गाड़ी क्यों बाहर खड़ी है, भाग गया। कौन भाग गया, वालेकुम सलाम, कौन भाग गया, उनकी गाय भाग गई है, अच्छा पुलिस लगी हुई गाइस, बाहर तो नजारे ही बदले हुए हैं यार, तो ये शोर क्यों कर रहे हैं, अच्छा कुछ तो हो रहा है यार यहाँ, मैं गाइस मेरा फोकस था मून, ये क्या है, ये क्या है, चपेड़ा मारू मुझे, दादू कहते थे मेरी पोती है, मैं मून थी और जो प्यारे वाला और जो फातिमा थी वो बिल्ली थी, नाम कैसे ब्लू नहीं लग रहा है ये पर्ल वाइट, मगर कुछ तो इसके अंदर है, ये देखें देख रहे हैं, ये है ना ब्लू चांद ब्लू आसमान। वापस घर आके अच्छा लग रहा, सुकून सुकून फील हो रहा, बहुत थकावट हो रही है बहुत ज्यादा, पापा ने वाइट था, हाँ पर्ल वाइट, मुझे क्यों ये क्या मतलब क्या खिलाना था यार आपने, वो भी बताती थी खिलाती इस गंदे से मुंह को, इस गंदे से मुंह को कुछ खिलाएंगी मम्मी, बत्ती गई और ये उठ गई, रोशनी उठ, रोशनी मुझसे मिली ही नहीं यार, हाय अल्लाह रामिया मुझे इग्नोर कर दिया, तो बिल्कुल नहीं करती मैंने तुम्हें नींद में दिखाया कि गाइस ये मैं आई हूँ तो ये सोई हुई है फुल, पता तुम कैसे सोई हुई थी, मेरा ये मुंह दिखाया हुआ था, मैं आपकी का तो मार दूंगी, और ऐसे थी हाँ लोगों बताओ ऐसे ही थी ना, मैं ऐसे नहीं सोती, मैं प्यारा सोता, हाँ ऐसे नहीं तुम सो रही थी, कैसे सो रही थी, ऐसे सो रही थी, मैं ऐसे सोती नहीं हूँ, कितनी फ्रेश लग रही, हाँ क्या करने, तुम व्लॉग नहीं देखा मेरा, मैंने व्लॉग देखा, मैंने ऊपर उसका टाइटल देखे है, बड़ी तुम बदतमीज, नोटिफिकेशन आता है ना, मैं टाइटल पढ़ा, टाइटल जो लोग मेरे व्लॉग का सिर्फ टाइटल देखकर उसको ऑन करके व्लॉग नहीं देखते उनको मैंने ऐसे पकड़ना है और उनका मैंने ये हाल करना है, ये मेरी बहन उनमें से एक है, एक तुम्हारा फैन भी मुझे मिला था इसलाम उधर, हाँ मुझे कहता आपका साइन, मैं ना राबिया आप ही का बॉय, मैं कह रहा अब्या तेरे निक्के निक्के फैन, बच्चा का व्लॉग देखे, एक तुम्हारी थी इज़ा गुल, इज़ा गुल हाँ, एक इसकी फैन थी इज़ा गुल, हाँ उन्होंने कहा था नाम लेना है मेरा, दे दो उसके लिए कोई मैसेज, अगल शुक्रिया आप खुश हो, अगल शुक्रिया नहीं एक मिनट राबिया एक मिनट, मेरे बैग की क्या तुमने स्टार्ट कर दी है, मेरी चीजें मेरी चिप्स मेरे पॉपनोर आई है, तो मेरे लिए मुल्तान से लेके आई हुई है, शक्कर भी तुम्हारे लिए प्यार लेके आई हूँ फैंस का, ये टिश्यू पेपर, वहाँ से मैंने वैसे हलवा लेना था लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, वरना जरूर लेके आती, ये था वो ब्लू मून जो पापा कहते देखो जा, तो वैसा तो नहीं दिखा यार हमें, मैं ऐसा दिखा था, हाँ हमें कैसा दिखा ऐसा, हाँ अच्छा तो ये बहुत ही क्लोज है इसके ऊपर, नीले हाँ ये ब्लू मून गाइज, आपको वैसा ब्लू मून तो नहीं हम वहाँ से दिखा सके लेकिन वो असल में ये वाला ब्लू मून था, तो जी गाइज लोगों को क्या हुआ है, दोनों को पागले हो गई हो, वो बेचारी मुझसे मिलने आई है,
रमेश सुरेश कितना बदल गया है रे तू, तेरे बाल भी लंबे नहीं हुए हैं, मुल्तान से होके आ गया हूँ। जिया रे जिया रे जिया जिया। हाँ कैमरे के सामने तेरी वाट नहीं लगा, मैंने क्या किया? वाट लगाएगी मम्मी, मम्मा का दिमाग पढ़ सकती हूँ, उनको चेक कर। बकवास ना करो तुम। हाँ पता लग गया, अभी आप बाहर घूमती जा रही हो और ये है कि शादी होने वाली है, बाहर ना घूमो यार। ये क्या, क्या? ये असल प्रॉब्लम ये है कि मैं मुल्तान जी से पूछ के गई, मैंने पापा को बताया था, पापा को बताया था, मैंने उस टाइम कुछ कहा नहीं था कि रीप साथ है। मुझे डांट पड़ी हुई है, मैं रीप को साथ लेके आऊंगी ताकि मुझे डांटना पड़े। इतना गुस्सा था कि बगैर बताए सारा कुछ किए। कहता है दो दिन पहले परमिशन लेता है, मैं दूं या ना दूं, शादी से पहले कौन निकलता है, महीना रह गया अपनी और तैयारियां नहीं करनी। दो दिन तुम ऐसे ही एक एक दिन पूरा ऐसे घूमती रहोगी तो बाकी तैयारी किसने करनी? मम्मा इतनी सीरियस क्यों हो रही है? मेरी मम्मा तैयारी कर रही है पूरी। कैमरा नीचे करो, बस सीरियस बात करनी। मैं चाहती हूँ कि आप किसी, अल्लाह की कसम, एक तो अरीब मुझे बचा लेता, दूसरा मुझे ये कैमरा बचा लेता, कभी डांट पड़ी हो तो मैं कैमरा ऑन कर लेती। मेरी अम्मा, इसलिए मैं लड़ भी नहीं रही, वैसे पूछ रही हूँ कि तैयारी होगी, सब कुछ हो गया। किसकी तैयारी? शादी छूट होगी, सब कुछ कर ली है। हाँ डेढ़ से कम से कम 10 दिन पहले हर चीज तैयार हो। ओके शादी में को डांटना मुझे पसंद नहीं, दिल दर्द होता है यार, मैं नाम से सुबह इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब किधर भी बसी हरकतें सारी छोड़ दो, फिरने फिराने वाली जाने वाली, ठीक है अपने काम पे ध्यान। बड़ी लड़की हो गई हो, बड़ा वाली हरकतें करो। मेरी बात सुन, मैं कौन हूँ? राइट, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ तेरी बहनों को बांट। मम्मा छोटी है क्या यार, वैसे पक्की पूरी है, टिकटॉक पे पूरी है, यूट्यूब पे मैं पक्की लगती हूँ, इतनी मासूम शक्ल है मेरी, हर जगह पूरी है। तोबा तोबा तोबा, अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ अब अपने लिए कपड़ों का इंतजाम करें, एक मिनट बस एक बात सुन लो मेरी, इतनी प्यारी शक्ल, आपको पक्की शक्ल लगती है, इतनी मासूम सी प्यारी सी हूँ मैं यार। मम्मा कैमरे के सामने डाले हाथ बरत गई, एक्चुअली में लड़ाई वड़ाई की कोई बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कैमरे के प्रॉमिस करो, मैं जो कहूंगी वो करो, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। करोगी? हाँ नहीं करना है। ओके बताए नहीं, वो मैं आगे आगे बताऊंगी। मम्मा नहीं, लेकिन ऐसे कैसे आप बीच में आप अपने वो ऐड कर दें कोई? नहीं नहीं, वैसे ही तुमने जाना है कहीं, मुझसे पूछना है, नहीं कहूँ तो नहीं जाना। अब मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। ओके मैंने नहीं जाऊंगी, पक्का पक्का ठीक है, सारी तैयारी कर लूंगी, ज्वेलरी हो। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मान। नहीं नहीं आप कहती तो मैं, वैसे मम्मा आप क्या मुझे विलन बना रही है यार, मेरी सारी चीजें हो जाएंगी पूरी, और कुछ आपका हो गया सब वो हो जाएगी, जाना नहीं है मैं कहीं कहूँ जाना, फिर वो तो लगा। अच्छा मैं कहूँ तो ठीक, तुम करो तो साला कैरेक्टर ढीला है, ऐसे कैसे चलेगा? ओके 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 डन, आज की बात लॉक है, नो डाउट। सो गाइज हमको मिल चुका है शादी पे कोई खासा ज्ञान कि तैयारियां कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई मेरी बहने किस मर्ज की दुआ है, इनसे एक एक करके के काम करवाऊंगी और मैं इन्हीं से ही करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं दुल्हन हूँ और मुझको रेस्ट करने का पूरा पूरा हक है, और इंजॉय करने का और ग्लो करने का। देखिए जाती मलका, रुक रुक रुक, तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो? निकाहनामा बनवाने की? मैं तुम्हें आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, निकाहनामा बनवाना है, मेरे पेंस तुमने बनवाने हैं, और मेरा दुपट्टा घूंघट वाला तुमने रेडी करना है। तो बहने किस मर्ज की दुआ है यार, मैं क्या करूँ यार? तुम पेन के डिजाइन निकाल के मुझसे सजेशन ले सकती हो, हमारा घर किससे वो हम डिसाइड कर लेंगे यार, कितनी है ठीक है। अगर ले रही हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द बेस्ट सिस्टर। ये बकवास कर रही, मुझे पता है। और तुम क्या कर रही हो मेरी शादी पे कॉन्ट्रीब्यूट, जमाइया लेने के अलावा तुम क्या कर रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले रही हो? इधर मुँह करना जरा, पेड़े खानी है, मैं करूंगी डांस। मेरे लिए क्या कर रही हो? कोई मेरे लिए प्लानिंग सोची हो तुमने कि आप ही, मैं आपके लिए? ये गाइस किसी मर्ज की दुआ नहीं है, ये अपना आप संभाल लें इवेंट पे बड़ी बात है, अपने कपड़े अपने जूते सब चीजें ये कर लें, बहुत बार कर लूंगी मैं अपना सब कुछ खुद, ठीक है। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे अच्छे अच्छे बताइएगा कहाँ से मैं पेन्स, जो निकाह के पेन्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, और जहाँ से मैं निकाह सर्टिफिकेट्स बनवाऊँ, मुझे अच्छे अच्छे पेज सजेस्ट कीजिएगा। वैसे मुझे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत सी जो मैं पूछती हूँ, और डिकोर किस तरह का होना चाहिए, और उसके अलावा मुझे दुपट्टा ऊपर पहनते हैं वो किस तरह का होना चाहिए। मम्मी डांट के भाई पता नहीं कहाँ कहाँ गुस्से निकाल के आ रही हैं, आज तो मेरी मम्मी फुल तपी हुई, आई डोंट नो व्हाई बट व्हाई मॉम बी कीप स्माइलिंग, यू आर सो क्यूट। अम्मियों की जो नाराजगी होती है और जो डांट होती है वैसे बड़ी क्यूट। बंद करो, रखो बंद।
पापा को मेरे कैमरे में गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरा कैमरा माइंड कर जाता, मैं नहीं करती वो करता है। तो मैं आ चुकी हूँ भी अपने कमरे में। ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जिधर जा रही चुड़ैलों से सामना पड़ रहा है मेरा, इधर आजू चुड़ैल बाजू चुड़ैल। मैंने कहा जाके ऊपर रेस्ट करती हूँ, ठीक है। रेस्टलेसनेस की मशीन आई हुई यहाँ पे। और अभी गाइस मैं थक गई हूँ, मैं बस वाकई में रेस्ट करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने, मुझे दुआओं में, और अच्छी अच्छी सजेशन भी देनी है, और मुझे बहुत सारी दुआओं की जरूरत है, ठीक है। तो बस वो बहुत सारी करनी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।